नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू पहुंची जमशेदपुर, आयोजित शिक्षाविद सम्मेलन में की शिरकत। सरायकेला स्थित एनआईटी के छात्रों ने लहराया जीत का परचम, एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी में विश्व में पाया तीसरा स्थान। जमशेदपुर में नहीं थम रही चोरी की घटनाएं, सिद्धगोड़ा क्षेत्र में चोरों ने दी फिर दस्तक। और जमशेदपुर के जुगसलाई निवासी सन्नी सिंह ने की अनोखी पहल, रद्दी सामानों से कर रहे हैं पर्यावरण का संरक्षण। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में ब्रह्म कुमारी यूनिवर्सिटी और कोल्हान यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित शिक्षाविद सम्मेलन में झारखंड की महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने योगा और अध्यात्म की पढ़ाई को लेकर ब्रह्म कुमारी के साथ एमओयू करने का संकेत दिया है, जहां छात्र छात्राओं को अब धर्म से जोड़ने का भी ज्ञान स्कूल एवं कॉलेजों में दिया जाएगा। बिष्टुपुर स्थित विमेन्स कॉलेज में कोल्हान यूनिवर्सिटी और ब्रह्म कुमारीज राजयोग ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा शिक्षाविद का सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि झारखंड की महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू एवं शिक्षा जगत के कई लोग मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत महामहिम के हाथों दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारीज के कई सदस्य मौजूद थे। योग और अध्यात्म को लेकर कई वक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। सेमिनार को संबोधित करते हुए महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अध्यात्म इच्छा शक्ति का एक रूप है और योग हमें विरासत में प्राप्त हुआ है। इस संस्कृति को बचाकर रखने के लिए ब्रह्म कुमारीज यूनिवर्सिटी के साथ रांची यूनिवर्सिटी और कोल्हान यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू करने का फैसला लिया गया है, ताकि यहां शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं को अध्यात्म और योग से लाभान्वित किया जा सके। ब्रह्म कुमारीज यूनिवर्सिटी की शाखाएं आज पूरे विश्व के 140 देशों में 8500 है। शिक्षा एवं अध्यात्म के क्षेत्र में ब्रह्म कुमारी का प्रयास काफी सराहनीय है, जो अपनी संस्कृति को बचाकर रखने का प्रयास कर रही है। आज लोग पैसे से हर सुख चैन खरीद लेते हैं, मगर मन की शांति अध्यात्म के माध्यम से ही प्राप्त होती है। बच्चों को जो स्कूल में भेजते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट को याद करते हैं, उनको अपने नोटबुक में लेके एग्जाम में देते हैं 90-95% रहते हैं। मुझे लगता है इसी को भी डालने से मुझे लगता है उसको भी वो अपना सकेंगे, उसको भी अपनी जिंदगी में यूज कर सकेंगे। पढ़ने से नहीं होगा, उसकी अपनी जिंदगी में लाना है, परिवर्तन करना है। हम पढ़ाई पढ़ लेते हैं, पर अपने एग्जाम पेपर में लिख देते हैं, तब 95% आ जाता है, हम भूल जाते हैं। ये योगा एक कंटिन्यूस प्रोसेस, एक दिन में नहीं होता ये, केवल इसीलिए आज स्कूलों में सिलेबस में गवर्नमेंट से बात बहुत बार मैंने किया, शायद एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन सेक्रेटरी ने बोले इसको भी प्राइमरी लेवल से इसको सिलेबस में डाला जाना चाहिए। और यहां आपको बताते चलें कि सरायकेला जिले के एनआईटी जमशेदपुर के छात्रों ने एक बार फिर से जीत का परचम लहराया है। जी हां, इसी महीने के 6 से 8 अप्रैल तक अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित एसएई एयरो डिजाइनिंग वेस्ट 2018 प्रतियोगिता में एयर कंट्रोल एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग में एनआईटी जमशेदपुर ने परचम लहराते हुए देश में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि पूरे विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं ओवरऑल संस्थान ने 7वां स्थान प्राप्त किया है। सरायकेला खरसावा जिले के आदित्यपुर स्थित एनआईटी में एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी की पढ़ाई नहीं होती है, बावजूद इसके संस्थान के छात्रों ने यह उपलब्धि हासिल की है। वहीं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए संस्थान के छात्र पिछले 3 सालों से दिन रात मेहनत कर रहे थे। वहीं इस डिजाइन को डेवलप करने में लगभग 40 छात्र छात्राओं की टीम काम कर रही थी। हालांकि टीम का प्रयास रंग लाया और संस्थान के छात्रों ने सीमित संसाधनों के बीच पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मजबूत और पक्के इरादों के साथ दुनिया जीता जा सकता है। वहीं कैलिफोर्निया से लौटे छात्रों का एनआईटी परिसर में टीम के अन्य सदस्यों ने गर्म जोशी से स्वागत किया। संस्थान के डायरेक्टर ने छात्रों की इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि और भी नई तकनीक का इजाद करें, ताकि संस्थान का नाम रोशन हो सके। पिछले 3 साल से एक आरसी प्लेन्स पे काम कर रहे थे, बहुत मेहनत किया है हर एक टीम का हर एक मेंबर, रात भर दिन भर रातों रात जग कर हम लोग बहुत मेहनत करते हैं।
और अभी थर्ड पोजीशन अचीव करने के बाद जो खुशी है, जो जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन की जो बात आती है, उसका कोई मैच नहीं है। NIT जमशेदपुर में एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग का ऐसा कुछ करके कोई ब्रांच नहीं है। बहुत सारा रिसर्च फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेबोरेटरीज़ में बहुत सारा हमारा टेस्टिंग अपैरेटस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग सारे के सारे मेंबर्स खुद इतना मेहनत किए, हर एक चीज़ खुद बखुद किए, इंटरनेट को एक्सप्लोर किया, हर एक चीज़ को इंटरनेट से सीखे, और फाइनली हम लोग जो रैंक जो अचीव किए हैं बाकी टीम्स के कंपेरिजन में, वो कहीं ज़्यादा है। एरोनॉटिक्स का यहाँ डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन जो भी है इसमें कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट तो है ही, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है ही, तो रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि उस नई टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिससे कंट्री देश का हित हो। तब उस निकट भविष्य में एरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट खोलने का कोई विचार नहीं है। जो भी डिपार्टमेंट है अभी उनको पहले स्ट्रेंथन करना प्रायोरिटी है। एरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट खोलने के लिए उसका प्लेसमेंट का सब कुछ अध्ययन करके तभी खोला जाता है। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बागुन नगर इलाके में एक बार फिर से चोरों ने अपनी दबिश दिखाई है। यहाँ एक सीए के घर में चोरों ने लाखों रुपए के सामानों व गहनों पर अपना हाथ साफ किया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ये घर कैशलेंद्र दास नामक सीए का है और पिछले कुछ दिनों से वे अपने पूरे परिवार के साथ गाँव गए हुए थे। घर इन दिनों बंद पड़ा हुआ था, इसी का फायदा चोरों ने उठाया और बीती रात यहाँ हाथ साफ किया। चोरों ने यहाँ से लाखों के सामान तथा गहनों पर अपना हाथ साफ किया। सुबह होने पर पड़ोसियों ने घर का ताला टूटा हुआ पाया, तब जाकर उन्हें इसकी जानकारी मिली। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस मामले को दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। हुआ है सुबह में खबर मिला, यहाँ अगल बगल का लोग देखा कि ताला खुला हुआ है, घर खुला हुआ है, सूचना दिया तो हम भी आए देखे भाई कैसे खुला हुआ है, क्या हुआ। हाँ पुलिस तो हम लोग POP का पुलिस को बुला के दिखाए, अभी थाना से बोल रहा कि आ रहे हैं। ये घर है सीए है चार्टर्ड अकाउंटेंट है कौशले निकास, अभी ये लोग गांव गए हुए शादी में। और यहाँ आपको बता दें कि जमशेदपुर के सफीगंज मोहल्ला निवासी 26 वर्षीय सनी सिंह इन दिनों पर्यावरण संरक्षण का संदेश लोगों तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। जी हाँ, निजी काम कर किसी तरह से अपने घर का गुजर बसर करने वाले सनी सिंह अपनी आमदनी का आधा हिस्सा स्वच्छता अभियान व पर्यावरण संरक्षण के लिए लगा देते हैं। जी हाँ, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा पर यह बिल्कुल सच है। टाटानगर रेलवे स्टेशन में निजी ठेकेदार के अधीन कार्यरत सनी सिंह पूरे जुगसलाई क्षेत्र में अपना एक अलग छाप छोड़ रहे हैं। महीने की उनकी आमदनी मात्र 6,000 रुपए है, जिसका आधा हिस्सा स्वच्छता अभियान व पर्यावरण संरक्षण के प्रति लगा देते हैं। उनकी सोच है, लगातार वृक्षों की कटाई से पर्यावरण प्रदूषण होता चला जा रहा है, इस भागदौड़ की जिंदगी में लोग अस्वस्थ होते जा रहे हैं, ऐसे में अपने वेतन का आधा हिस्सा से वे रद्दी सामानों को खरीद कर उसे गमले का रूप देकर उस पर छोटे छोटे पेड़ पौधों को लगाकर पूरे क्षेत्र को सजाते हैं। इतना ही नहीं, पूरे जुगसलाई क्षेत्र की साफ सफाई के लिए जुगसलाई नगर पालिका से संपर्क साध कर घर घर घूमकर लोगों को जागरूक करते हैं। उनका कहना है, आज के युवा वर्ग अगर अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा निकालकर क्षेत्र की साफ सफाई व वृक्षों को लगाकर उपयोग करे तो पूरे पर्यावरण को बचाया जा सकता है। वर्तमान समय में ऐसी सोच रखने वाले सन्नी सिंह ने सैकड़ों पेड़ पौधों को लगाकर पूरे क्षेत्र को सजाने का कार्य किया है, जो अपने आप में सराहनीय कदम है। जैसे पेड़ पूरा जो कट रहा है, नष्ट हो रहा है, घर पर पेड़ के बारे में कोई सोच नहीं रहा, तो हम सोच रहे कि पेड़ लगाना मने हरा भरा करे, इससे क्या कि हमारे देश भी वातावरण में मने थोड़ा सेहत हुए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जैसे बहुत मात्रा कम रहा है, तो पृथ्वी के बहुत सेफ रहेगा। अच्छा, आप कमा लेते हैं? हम 6,000 रुपया कमा लेते हैं। तो इधर प्राइवेट नौकरी कहाँ करते हैं? नौकरी ये प्राइवेट नौकरी प्राइवेट। और कितना ही खर्च? 500। तो क्या सोच कर आपका उद्देश्य? ये उद्देश्य यह है कि आज के डेट हम लोग इतना बुरा मिल रहा है, खाली घर बन रहा कट फिर, इसीलिए हम सोच रहे कि जितना हो सके तो अपना देश हरा भरा करे। और यहाँ आपको बताएं कि लोह नगरी जमशेदपुर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है, जहाँ बिरसा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जोन नंबर 3 के काली मंदिर के पास मेन रोड में एक हाईवा ने DBC के बिजली के पोल में टक्कर मार दिया, जिससे बिजली का पोल पूरी तरह से टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि इस घटना से कोई हताहत नहीं हुआ है, पर इलाके की बिजली इस गर्मी में गुल हो गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवा ने जैसे ही बिजली के पोल में टक्कर मारी तो उसका चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची बिरसा नगर पुलिस ने बिजली विभाग को सूचना देते हुए हाईवा को जब्त कर लिया है। बिजली का पोल जैसे ही हाईवा के टक्कर से गिरा, पावर कट गया।
अगर पावर नहीं कटता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। घटना घटी की रमनी पहले रमनी काली मंदिर के पास मेन रोड में एक हाईवा जो है बिजली के पोल में धक्का मार दिया जिससे बिजली के खंभा जो है क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन किसी के जान माल की दुर्घटना क्षति नहीं हुई है। उसके बाद गाड़ी जो है से अभी नवजीवन कम्प्लेक्स में खड़ी है, गाड़ी चलने लायक नहीं है, थाना जाने लायक गाड़ी जब बनेगी मिस्त्री लाने गया है। और यहाँ आपको बता दें कि सरायकेला खरसवां जिले के आदित्यपुर नगर निगम अपने पहले मेयर और डिप्टी मेयर के साथ नौ निर्वाचित पार्षदों के स्वागत की तैयारियों में जुट गया है। निगम कार्यालय में कार्यरत संगीता मिश्रा, जो कि आदित्यपुर नगर पार्षद बनने के पहले ही दिन से इस कार्यालय में काम कर रही हैं। वे बताती हैं कि साहबों के आने की तैयारी चल रही है, दोनों कमरों की साफ सफाई और रंग रोगन का काम कराया जा रहा है। संगीता बताती है कि आदित्यपुर नगर परिषद बनने के बाद उनकी बहाली तत्कालीन अध्यक्ष रीता श्रीवास्तव के द्वारा किया गया था, जो कि वर्तमान मेयर विनोद कुमार श्रीवास्तव की पत्नी थी। संगीता बताती है कि तीनों कार्यकाल में उनके बेहतर कार्यशैली से सभी खुश रहे। वहीं संगीता का कहना है कि मेयर यानी विनोद कुमार श्रीवास्तव के अनुभव का लाभ निगम को जरूर मिलेगा। वहीं निगम के वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी का कहना है कि अभी शपथ ग्रहण के लिए तिथि की घोषणा नहीं की गई है, वैसे साफ सफाई का काम कराया जा रहा है। निगम कार्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने गेंद नई टीम के पाले फेंकते हुए कहा कि नई टीम जो फैसला लेगी उस पर कार्य किया जाएगा। पूर्व से माननीय अध्यक्ष और माननीय उपाध्यक्ष का पद पूर्व से ही था, और अभी हमारे माननीय मेयर और डिप्टी मेयर लोग का ये हुआ है, तो अभी जो सेटअप मेरा शुरू से ही है, रूम्स ईयर मार्क्ड हैं हमारे, तो उसको हम लोग फ्रेश कर दे रहे हैं, तो वो चीज़ साफ सफाई और सब करके वो ठीक रहेगा। वो अभी तक ऑफिशियली कुछ कम्युनिकेट नहीं हुआ है, जैसे होने से फिर आपका होगा। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्री एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में। इस बार जो हमने फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड जमशेदपुर में लेके आए हैं वो बहुत ही आकर्षक का केंद्र होगा, क्योंकि इस बार हमने नए नए राइड्स लेके आए हैं, विशेषकर बहुत काफ़ी दिनों के बाद वाटर बोट और एक हेलीकॉप्टर लेके आए हैं, जो हमें उम्मीद है कि यहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। और हम ये कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, जमशेदपुर वासियों को, एक बार हमें सेवा का मौका जरूर दें और फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड का आनंद जरूर उठाएं, जहाँ मनोरंजन मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, डोरा डोरा, स्लम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहां ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। पूरनमल अग्रवाल, पूरनमल अग्रवाल जहां है साड़ियों का संग्रह बेमिसाल। जी हां, हर अवसर, शादी ब्याह पार्टी, हर मौके के लिए पूरनमल अग्रवाल में है आपकी पसंद की लाजवाब साड़ियां। वेडिंग साड़ीज, बनारसी साड़ियां, डिजाइनर साड़ियां, फैंसी साड़ियां, कांजीवरम, सुपर नेट,
कॉटन, जयपुरी, तांत, प्योर सिल्क के साथ साथ मनमोहक डिजाइनों और आकर्षक रंगों में लहंगा चुन्नी की विशाल रेंज, और साथ ही पुरुषों के लिए है शानदार रेमंड्स के सूटिंग शर्टिंग। पूरनमल अग्रवाल, जो वर्षों से आपके विश्वास की कसौटी पर खरे उतरे हैं और आपको शानदार वस्त्रों से सजाया है। पूरनमल अग्रवाल, शॉप नंबर 2728 साक्षी बाजार, जमशेदपुर, फोन 2435138 और 9431329002। गोलछा साड़ी सेंटर, गोलछा साड़ी सेंटर एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आए। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट, सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन, सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता, गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार। कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर एस के तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अपने रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर एस के तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक। पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। स्वस्थ तन मन निरोग जीवन। होटल अंबर के बगल में, न्यू कालीमाटी रोड, साक्षी, जमशेदपुर। फोन 0657-2438616, 983-555-1212, 943-111-3166। प्रतिमा 8 से 20 तारीख तक। हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे, तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आए हमारे पास, राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, मिग CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग JCV, एक्सकवेटर, मोबाइल क्रेन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो नेबोशकार लर्निंग सेंटर है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम 2 बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-654-3741, मोबाइल नंबर 0980-149-5586 और 0997377-0707
और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद वापस से आपका स्वागत है। झारखंड के नगर निगम चुनाव में भाजपा पार्टी के धमाकेदार जीत को लेकर जमशेदपुर भाजपा कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर आदित्यपुर नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के सीट पर भाजपा के उम्मीदवार विनोद श्रीवास्तव और अमित सिंह ने जीत सुनिश्चित किया है। भाजपा जिला कार्यालय में सभी का स्वागत किया गया। जमशेदपुर के जिला अध्यक्ष ने दोनों जीते हुए प्रत्याशियों का साक्षी स्थित भाजपा कार्यालय में जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सैकड़ों भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी कर लोगों के बीच लड्डू का वितरण किया। वहीं भाजपा के जीत को लेकर पूरा शहर ढोल नगाड़ों से गूंज उठा और कार्यकर्ताओं ने जमकर नृत्य किया। इस जीत की खुशी में भाजपा कार्यालय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के नारों से गूंज उठा। भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने बगल के जिले सरायकेला आदित्यपुर नगर निगम के चुनाव में अपने विजयी प्रत्याशी मेयर के आदरणीय विनोद श्रीवास्तव जी और डिप्टी मेयर के आदरणीय अमित सिंह जी, बॉबी सिंह जी, इन दोनों को हम सभी लोगों ने अपने जिला कार्यालय में बुलाकर आज इनका स्वागत किया, सम्मान किया। और हम लोगों ने यह भी इनसे अपेक्षाएं की हैं कि जो क्षेत्र की जनता की और मूलभूत आवश्यकताएँ हैं उस आवश्यकताओं को ये नगर निगम के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के माध्यम से जो जिस प्रकार राज्य सरकार काम कर रही है आदरणीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में और केंद्र की सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की नेतृत्व में, उसी तरह सरकार शहर की सरकार विनोद श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में आदित्यपुर क्षेत्र का विकास हो, ऐसी हम सबों की आशा और कल्पना है। और यहाँ आपको बता दें कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा जमशेदपुर में छात्रों के लिए एक वेब पोर्टल की लॉन्चिंग की गई। इस पोर्टल के माध्यम से छात्रों को अब अपने आगे के करियर को चुनने में काफी सहयोग मिलेगा। साथ ही यूनिवर्सिटी द्वारा स्कॉलरशिप टेस्ट को भी यहाँ शुरू कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों ने इस दौरान कहा कि सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि छात्र इंटर की परीक्षा देने के बाद ये निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि वो किस क्षेत्र में आगे की पढ़ाई कर अपना करियर बनाएं। इस समस्या को दूर करने के लिए यूनिवर्सिटी ने एक ऑनलाइन प्रोग्राम बनाया है जिसमें छात्र को आधे घंटे का एक ऑनलाइन टेस्ट देना है और उसके टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर वो यह तय कर पाएगा कि किस क्षेत्र में उसका भविष्य उज्ज्वल है। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के द्वारा सभी कोर्स पर 100% तक छात्रवृत्ति भी दी जा रही है जिसके लिए भी ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। मई तथा जून के माह में यह टेस्ट जमशेदपुर में निर्धारित सेंटर में आयोजित होगी जिसमें यहां के छात्र शामिल हो सकते हैं। मैं एक वेब पोर्टल, करियर बेस्ड वेब पोर्टल का आज अनिवार्य करने आया हूं, जिसका मेन मकसद यह है कि प्लस टू के बाद या ग्रेजुएशन के बाद अगर आप अपना कोर्स चूज करना चाहते हैं तो ये सुविधा आपको हेल्प करेगी। cuchd.in पर जाकर अगर आप एक साइकोमेट्रिक टेस्ट देंगे आधे घंटे का, तो कोई भी स्टूडेंट को एक करियर एडवाइजरी रिपोर्ट के बेसिस पर उनको बताया जा सकता है कि आप कौन सा करियर चूज करें। इसके अलावा मैं झारखंड के बच्चों के लिए यहाँ पर आज स्कॉलरशिप का ऐलान कर रहा हूँ जिसके अंदर 10 करोड़ तक के स्कॉलरशिप्स उनको मिल सकते हैं। 800 सीटें टोटल हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए और टोटल जो झारखंड के बच्चों के लिए 100 सीट्स यहां पर रखी गई हैं। और यहां आपको बता दें कि जमशेदपुर में वन विभाग के आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला सेंद्रा पर्व को लेकर एक अहम बैठक वन विभाग सभागार में आयोजित की गई जिसमें विभाग के पदाधिकारियों के साथ वन विभाग के पुलिस बल भी मौजूद थे। वैसे वर्ष 2018 के लिए आगामी 23 अप्रैल को सेंद्रा पर्व मनाने का ऐलान आदिवासी समुदाय ने किया है। इसे लेकर वन विभाग भी काफी चौकसी बरत रहा है क्योंकि इस पर्व में जानवरों तथा पक्षियों का शिकार लोग करते हैं जिस पर रोक है, लेकिन रोक के बावजूद देखा जाता है कि लोग शिकार करते हैं। वन विभाग इस तैयारी में है कि पर्व पारंपरिक तरीके से मनाया जाए लेकिन किसी भी वन्य प्राणी को हानि ना पहुंचाया जाए, इसके लिए बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती भी की जा रही है। बैठक के दौरान ऐसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं जमशेदपुर के उप वन संरक्षक ने कहा कि इसे लेकर आदिवासी समाज के लोगों से भी बातचीत हो चुकी है और उन्होंने विभाग को यह भरोसा दिलाया है कि पर्व के दौरान किसी भी जानवर का शिकार नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने पूर्व में हुए शिकार के मामलों में कहा कि कोर्ट में मामला लंबित चल रहा है, जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा आगे की कार्रवाई उन पर की जाएगी। 23 तारीख को सेंद्रा का आयोजन किया जाना है जिसमें कई राज्यों से लोग आते हैं और वस्तुतः इसे विश्व शिकार का नाम देना उचित नहीं होगा। ये लोग परंपरा के लिए आते हैं, फिर भी उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो रास्ते में अवेलेबल जीव जंतुओं की हत्या करते हैं। हमारा प्रयास ये है
कि वे अपना पारंपरिक पूजा एवं अन्य कार्य करें, लेकिन जानवरों को कम से कम क्षति पहुँचाए। कई वर्षों के बाद हमारे पास वनरक्षी का की नियुक्ति हुई है। इस बार उन लोगों को डिप्लॉय किया जा रहा है कि इस कार्य में उनको पूजा में सहयोग भी करें एवं वन्य प्राणियों की संरक्षण भी करें। और यहाँ आपको बता दें कि जल संसाधन विभाग की इकाई लघु सिंचाई विभाग के द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले के बागबेड़ा घागीडी बड़ा तालाब का बहुत ही जल्द सौंदर्यकरण होने जा रहा है, जिसका शिलान्यास जिले के सांसद व क्षेत्र के विधायक ने किया है। बागबेड़ा के घागीडी क्षेत्र में यह एक बहुत बड़ा तालाब है, जिसके सौंदर्यकरण की मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही थी। इधर जिले के सांसद विद्युतरण महतो, क्षेत्र की विधायिका मेनका सरदार के संयुक्त प्रयास से लघु सिंचाई विभाग की तरफ से तालाब के सौंदर्यकरण का कार्य बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इस दौरान तालाब को 1.5 मीटर और गहरा किया जाएगा, ताकि वर्षा का जल इसमें एकत्रित हो सके। बता दे, इसी उद्देश्य से बड़ा तालाब के नजदीक शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के सांसद विद्युतरण महतो, पोटका क्षेत्र की विधायिका मेनका सरदार समेत क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद थे, जहां उपस्थित लोगों ने इस कार्य की सराहना की। बता दे, 41 लाख की लागत से बड़ा तालाब के सौंदर्यकरण का कार्य किया जाएगा। तालाब में आप देख रहे होंगे पूरा ग्रामीण और कॉलोनी का सारे लोग इसका यूज करते हैं। पानी का गुणवत्ता इतना खराब है, बरसात के समय आए दिन इस क्षेत्र में जो डायरिया फिर लोग को पकड़ लेता है। तो जब क्या के मेरा कार्यकर्ता और नेता लोग ने आप लोगों ने बुलाया और हम लोग देखा तो लगातार प्रयास कर रहे टाटा से लेकर ब्रेक ब्लैक को हम चिट्ठी लिखी स्वयं जाके मुलाकात किया, लेकिन नहीं हो पाया था। लेकिन अभी माइग्रेशन से 41 लाख रुपया जो इसमें दिया और फ्लैट से भी 25 लाख रुपया मिला है। बहुत जो दिक्कत नाम माता है तो कहे कि बात अपने इलाकों में संभव नहीं था, इसे लाइट दिया जाए उसको तो बेहतर डेवलप किया जाए। और यहाँ आपको बता दें कि साक्षी गोलचक्कर के सामने समाजवादी पार्टी की ओर से मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के झारखंड प्रदेश कमेटी के महामंत्री मुमताज अली बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। समारोह में समीर खान, उमर खान और पप्पू खान के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने सपा का दामन थामा। इधर मुमताज अली ने बताया, पार्टी जमशेदपुर में मजबूत हो रही है और अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी का बेहतर प्रदर्शन रहेगा। और हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन लीडर और सबसे बेहतरीन पार्टियों का इन लोगों ने जो नुमाइंदगी करने का मकसद बनाया और इन लोगों ने कहा कि हम लोग समाजवादी पार्टी में इसलिए आना चाहते हैं कि समाज के दबे कुचले पिछड़े आदिवासी हरिजन दलित अकलियतों ठेला वाला रिक्शा वाला कोयचा वाला सब्जी वाला मछली वाला अंडा वाला मुर्गा वाला इन लोगों की नुमाइंदगी करने की इन लोगों की सलाहियत है दिल में। और इन लोगों ने सोचा कि समाजवादी पार्टी में ही आने से समाज के अंतिम लोगों का जिन लोगों के लिए गांधी ने सोचा था, लोहिया ने सोचा था, अम्बेडकर ने सोचा था, उन्हीं लोगों की सोच आज अखिलेश यादव जी ने सोचा है और अखिलेश यादव जी के सोच को आगे बढ़ाने का काम समीर खान करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जा जी भारती, 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जा जी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है, इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकान है। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया, इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले, घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जा जी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे दोस्त ने मिर्जा जी भारती, इनसे जाके मिलने को। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट, एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। अभी अवश्य मिले मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती। पापा पापा, मेरा तो नाम लॉटरी में नहीं निकला। हमारे बच्चे किसी लॉटरी का मोहताज क्यों? मैं कौन स्कूल में पढ़ूंगा? हम इन्हें पढ़ाएंगे
एक अच्छे स्कूल में। जहां सुरक्षा की गारंटी हो, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण आईसीएसई स्कूल हो, जिसके मूल में भारतीयता बसी हो। हम बहुत आशा से आपके पास आए हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा आपके पास पढ़े। जहां पढ़ाई के साथ साथ संस्कार मिले और अपनों जैसा व्यवहार मिले, जहां प्यार करने वाले हों और सबसे बड़ी बात, जहां हमें पूर्ण विश्वास हो। DSM स्कूल फॉर एक्सीलेंस कासीडी, एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें। गोलचा रेडीमेड सेंटर पेश करते हैं हमारा नया शोरूम बाजार गोलचा, नगर पालिका बाजार नियर जुगसलाई गुरुद्वारा। गोलचा रेडीमेड सेंटर, वाजिब दाम में मिले सामान अच्छा। जी हाँ, यही तो है गोलचा रेडीमेड सेंटर। गोलचा रेडीमेड सेंटर पेश करते हैं अ यूनिक एसी गारमेंट मॉल इन हार्ट ऑफ सिटी। गोलचा रेडीमेड सेंटर, जहाँ आधुनिक फैशन और डिजाइन की हर वैरायटी उपलब्ध है आपके पूरे परिवार के लिए। गोलचा रेडीमेड सेंटर, अ मल्टी ब्रांड गारमेंट शोरूम, जहाँ आपको मिलेगा लेडीज के लिए कुर्ती, लहंगा चुन्नी, फैंसी और कामदार रेडीमेड सूट एवं सूट पीस, लेगिंग्स, जींस, टॉप, जेगिंस, ट्राउजर, टी शर्ट, शर्ट। गोलचा रेडीमेड सेंटर में मिलेगा आपको जेंट्स के लिए जींस, पैंट, ट्राउजर, शर्ट, टी शर्ट, सूट, ब्लेजर और साथ साथ दूल्हे राजा की शेरवानी। इतना ही नहीं, अगर अपने घर को देना है नया लुक और सजाना, गोलचा रेडीमेड सेंटर जरूर आना। बाजार गोलचा, करे आपके सपनों को साकार, फिर देर काहे की सरकार। आज ही पधारें बाजार गोलचा। हमारा पता, पहला और दूसरा तल्ला, नगर पालिका बाजार नियर जुगसलाई गुरुद्वारा जमशेदपुर, 0657229093। जमशेदपुर में भारत के विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री महादेव जी, जिनका कई वर्षों का ज्योतिष में अनुभव है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति से आपका जन्म कुंडली देखते हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं 100% गारंटी के साथ। मैं महादेव जी बोल रहा है, कृष्णमूर्ति पद्धति से ए विचार करते हैं। ए विचार संपूर्ण विज्ञान भित्तिक है। हमारा ए विचार से मैरिज, एडुकेशन, बिजनेस, डिसीज, मामला मुकदमा, कोई भी प्रॉब्लम आपको 100% गारंटी के साथ हम सॉल्यूशन करते हैं। मैं अनेक ज्योतिषी कैसे गेछिलाम, किसी प्रॉब्लम नहीं है, किंतु कोनो सफल पाइनि। जब थेके महादेव बाबू कैसे गेछि, तब थेके अनेक सफल लाभ एसेछे। आमार मेये दिये छेलेर चाकरी सब किछु तो अनेक ठीकठाक, उन्हीं जेभावे प्रेसक्राइब करेछेन सेभावे सफल एसेछे। मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, श्री महादेव जी के परामर्श के बाद आज मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। महादेव जी से मिलें और सभी परेशानियों से निजात पाएं। मिलने के लिए संपर्क करें जेमको, आदित्यपुर, साक्षी, सोनारी, मानगो, गोलमुरी। मोबाइल नंबर 9874826809430, 9430715730, 9709052086। ब्रेक के बाद वापस से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के ब्लड बैंक में आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम के द्वारा आनंद मार्ग के संस्थापक के जन्मदिन के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आनंद मार्ग के संस्थापक श्री श्री आनंद मूर्ति जी के जन्म दिवस के मौके पर यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। हालांकि जन्म दिवस 20 अप्रैल को था, उसी के उपलक्ष्य में इस शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी ने बढ़ चढ़ कर इस शिविर में अपना योगदान दिया। एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन आनंद मार्ग के संस्थापक श्री श्री आनंद मूर्ति जी के जन्म दिवस के अवसर पर आज आयोजित किया गया है। जन्म दिवस 30 अप्रैल को है, उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया ब्लड बैंक में।
और उधर जमशेदपुर में आजादी के परवाने सुरेश चंद्र डे के 107वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई बुद्धिजीवी लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बिष्टुपुर स्थित कमानी सेंटर में श्री लेदर्स के संस्थापक एवं आजादी के परवाने सुरेश चंद्र डे की 107वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें शेखर डे के अलावा समाज के कई बुद्धिजीवी लोग सुरेश चंद्र डे एवं अन्य शहीदों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शेखर डे ने कहा कि वे अपने पिता स्वर्गीय सुरेश चंद्र डे के सपने को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी जयंती के अवसर पर कई स्थानों पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। खास महल स्थित सदर अस्पताल में संस्था के द्वारा पैड मशीन लगाई जा रही है। संस्था ने 10 से अधिक ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पैड मशीन का वितरण किया है। समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए कुछ करना है ताकि उनके पिता को सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके। सदर अस्पताल जो ये हम लोग का जो इनकरेज गर्ल्स है, इसी का यानी इन फिट में को विशेष किरण भी जी के बात लेकर इसका प्रसार किया जाएगा। ये हम लोग खास करके प्रांतिक रूरल एरिया में भी इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और यहाँ आपको बता दें कि जमशेदपुर में इंटर स्कूल कबड्डी सिलेक्शन ट्रायल खेला जा रहा है, जिसमें शहर के 17 स्कूलों से खिलाड़ी शामिल होंगे। इस स्टेट और नेशनल लेवल चैंपियनशिप के लिए यहाँ चुने हुए खिलाड़ी पहुंचेंगे, जहाँ से उन्हें बेहतर मंच प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष यह ट्रायल जमशेदपुर में करवाया जाता है, जिसमें शहर के सभी ICSE बोर्ड के स्कूलों के खिलाड़ी शामिल होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले खेल से पूर्व प्रत्येक स्कूलों से बेहतर खिलाड़ियों का चयन करने हेतु इस सिलेक्शन ट्रायल को करवाया जाता है। इधर शहर के 17 स्कूलों से लगभग 250 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए। जूनियर तथा सीनियर कैटेगरी दोनों में बॉयज तथा गर्ल्स की टीम यहां तैयार की जाएगी। कुल 4 टीमों का चयन कर उन्हें स्टेट खेलने के लिए गिरिडीह भेजा जाएगा, जहां मई माह में स्टेट चैंपियनशिप खेला जाएगा, जिसमें वहां से चुने गए खिलाड़ियों को नेशनल के लिए भेज दिया जाएगा। ICSE का लेवल का ये सारे है, इसमें 4 ग्रुप है सर, जूनियर सीनियर गर्ल्स बॉयज बोथ दोनों का है, जिनमें एज लिमिट भी है और वेट भी है इसमें। तो जूनियर गर्ल्स और बॉयज़ के लिए 55 kg वेट रखा गया है और सीनियर के लिए 65 है। इसमें हमारे 17 स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहा है, करीबन 250 स्टूडेंट्स हैं पार्टिसिपेशन में यहाँ। और ये जो सेलेक्ट होंगे, आज हमारी जमशेदपुर की टीम बनेगी, यहाँ से चार टीम बनेगी जूनियर सीनियर का। और इधर जमशेदपुर के वेल्डी चर्च स्कूल के द्वारा वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन कर मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया, और इस अवसर पर आकर्षक रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति छात्र छात्राओं के द्वारा दी गई। बिष्टुपुर स्थित वेल्डी चर्च स्कूल प्रांगण में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में रोनाल्ड डिकोस्टा और जमशेदपुर के आरक्षी अधीक्षक नगर प्रभात कुमार के अलावा स्कूल के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं बच्चों के अभिभावक मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के हाथों मेघावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। स्कूल प्रबंधन के द्वारा उत्कृष्ट शिक्षक का खिताब अशफाक अहमद को दिया गया। वहीं इस अवसर पर छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई, जिसे देख वहां मौजूद अतिथि एवं अभिभावकों ने बच्चों की सराहना की। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्कूल के सचिव VR इस्माइल ने कहा कि बच्चों की प्रतिभा को सम्मान देने के उद्देश्य से इस तरह के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाता है, ताकि बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़े। कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा को उनके अभिभावकों के समक्ष रखकर उनके बेहतर भविष्य की कामना की जाती है। इस वर्ष भी कई बच्चों को पुरस्कृत किया गया है, जो स्कूल के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का जौहर दिखा चुके हैं। बच्चे हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, उनकी हर क्वालिटी को, उनके खेलकूद, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर हम उनको रिवार्ड देते हैं और उनको इनकरेज करते हैं कि आप फ्यूचर में और अच्छे तरीके से। और यहाँ आपको बता दें कि मानगो में दुष्कर्म की घटनाओं के विरोध में युवा कांग्रेस और आम नागरिकों की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया। शुक्रवार को मानगो जाकिर नगर से स्थानीय नागरिकों ने कैंडल मार्च निकाला, जो मानगो गोल चक्कर पर पहुंचकर समाप्त हो गया। यहां पर दुष्कर्मियों का पोस्टर जलाया गया। स्थानीय मोहम्मद सद्दाम हुसैन ने सरकार से
दुष्कर्मियों को जल्द फांसी की सजा देने की मांग की। जो आसिफा के हथियारों की फांसी की मांग करने के लिए आए हैं, जिस तरीका से कई रोज भूखे रख के इंसानियत को शर्मसार करते हुए चंद असामाजिक लोगों ने जिस तरीका के घटना को अंजाम दिया है, उससे पूरा हिंदुस्तान शर्मसार हो गया है और एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन निशान उठा है वो सरकार के ऊपर उठा है कि क्या मासूम बच्ची आसिफा को इंसाफ मिलेगा। उसी के प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और आरोपियों का पोस्टर भी जलाया है। इसमें तमाम लोग शामिल है, कई समाज, सभी समाज के लोग हैं। हम लोगों का एक नारा है, आसिफा हमारी नहीं, आसिफा हिंदुस्तान की बेटी थी और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। इधर युवा कांग्रेस की ओर से भी कैंडल मार्च निकाला गया। युवा कांग्रेस के पूर्व मानगो प्रखंड अध्यक्ष तनवीर खान ने आरोप लगाया, भाजपा के शासनकाल में दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा, सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दुष्कर्म की घटनाओं के कारण मजाक बन गया है। कि देश के अंदर यूपी में हमारी एक बहन के साथ और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हमारी एक छोटी मासूम सी बच्ची के साथ जो इस देश के अंदर बलात्कार हो रहा है। आज ये प्रधानमंत्री जी कहे थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, तो बेटी बचाओ किसके लिए? इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए मैं कहता हूं और युवा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बचाओ इन भाजपाइयों के सामने से। और यहां आपको बता दें कि देश के हर राज्य में छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर लोग गोलबंद हो रहे हैं और आरोपियों की फांसी की मांग कर रहे हैं। तमाम पार्टियां आंदोलन को लेकर मैदान में कूद चुकी है और भाजपा सरकार को घेरने का काम कर रही है। वहीं जमशेदपुर के कीताड़ी में भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया और दुष्कर्मियों को फांसी देने की मांग की। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू पहुंची जमशेदपुर, आयोजित शिक्षाविद सम्मेलन में की शिरकत। सरायकेला स्थित एनआईटी के छात्रों ने लहराया जीत का परचम, एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी में विश्व में पाया तीसरा स्थान। जमशेदपुर में नहीं थम रही चोरी की घटनाएं, सिद्धगोड़ा क्षेत्र में चोरों ने दी फिर दस्तक। और जमशेदपुर के जुगसलाई निवासी सन्नी सिंह ने की अनोखी पहल, रद्दी सामानों से कर रहे हैं पर्यावरण का संरक्षण। तो इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।